नरसिंहपुर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में आमजनों को किस तरह की मशक्कत करना पड़ती है, इसका उदाहरण मंगलवार को देखने को मिला, जब एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर उसके गांव से 1.5 किलोमीटर तक खाट पर लाया गया और उसके बाद एक ट्रैक्टर ट्राली का इंतजाम होने पर खाट को ट्रैक्टर ट्राली पर रखकर गर्भवती को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के पूर्व रास्ते में ही प्रसव हो गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम कुढ़ई के टोला में गर्भवती महिला गोदावरी मल्हा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के लिए संपर्क किया, किंतु समय पर 108 एम्बुलेंस के न पहुंचने पर परिजनों महिला को लेकर एक खाट पर लेटाया और करीब 1.5 किलोमीटर चलकर ग्राम कुम्हाड़ी लेकर पहुंचे, जहां से एक ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम किया और जिला अस्पताल के लिए होकर रवाना हुए, किंतु रास्ते में ही प्रसव हो गया। इसके बाद परिजन महिला और बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों की हालत ठीक है। बच्ची हुई मनोर गैस है, कुमड़ी मनोर गैस है, ट्रैक्टर नहीं नहीं आई, 108 फोन लगाओ नहीं आई, ट्रैक्टर में लेके आए, बच्ची गली में हो गई। हाँ हो गई गली में, जब अस्पताल में फिर जब भर्ती कर दी। हाँ भाव उतने सब बच्चे सब का झूठ धरती में है, पलंग मिलो ही नहीं उतरे झूठो नहीं तेल धरती में डर लान खा। हाँ दो ही बच्चे ना, बच्चे की मम्मी सब धरती में। परिजनों का कहना है कि समय पर एम्बुलेंस सुविधा मुहैया न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसे में जच्चा बच्चा को खतरा भी हो सकता था। बहरहाल बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित हैं। हाँ, ट्रैक्टर ट्राली में डिलीवरी होने के बाद उनको यहाँ पे लाया गया और माँ और बच्चे दोनों को देखने के बाद सुरक्षित पाया गया। माँ को ना कोई ब्लीडिंग है और ना कोई ऐसी इमरजेंसी है। 108 बेसिकली प्राय मिल ही जाती है, हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्हें ना मिल पाई हो और महिला को ज़्यादा दर्द हो गया हो, इस वजह से उन्हें ट्रैक्टर में लाना ही ठीक लगा हो और 108 ना पहुंच पाई हो उस समय तक बिना डॉक्टर। हाँ ओबियसली ये जरूर है कि बिना स्टाफ नर्स या बिना डिलीवरी रूम के ऐसे वातावरण में डिलीवरी होना खतरनाक साबित हो सकता था, अगर महिला को ज़्यादा खून का रिसाव हो जाए समय के आने से सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, नरसिंहपुर।